बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होते सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारा ए सखी जीवन हमारा ए। श्री महामती कहे ए साथ जी भया चर्चा काबख अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज की श्री समस्त सुंदर साथ प्रणाम। महामती कहे ए साथ जी ए हादी मेहंदी इमाम ताकि बीतक और कहो ए नूर दीन इस्लाम ए नूर दीन इस्लाम। अब फिर कहो हब से की धाम धनी अक्षरातीत हमारी प्राणों के प्रीतम ए बित्तक साहेब के घटनाक्रम का वर्णन करवा रहे हैं। कल के अंतिम प्रसंग में अंतिम घटनाक्रम में वैसे तो कल की चर्चा में दो प्रमुख घटनाक्रम रहे दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे। उसमें एक श्री देवचंद्र जी की अंतिम लीला अंतर्ध्यान लीला जब अंतिम लीला पूर्ण करने जा रहे थे तब उसी टाइम मिहिराज द्रोल कलाजी ठाकुर के वहाँ प्रबंधक के रूप में नौकरी कर रहे थे। वहाँ से वाणी में चौपाई बताई कि मोहे चलते बखत बुलाई के जाहिर करी रोशन धाम दरवाजे इंद्रावती ठाड़ी करे रुदन। जब सतगुरु महाराज की सुरता श्यामा जी की सुरता वापस अपने मूल तन में जाने वाली है तब तो उससे पहले इंद्रावती की आत्म को मिहराज को नवा नगर बुलाया। और उसके बाद दूसरा घटनाक्रम तारतम वाणी का अवतरण
श्रीराज जी ने मूल स्वरूप ने इंद्रावती को क्या शोभा दी, महामती की इतनी इतना ही नहीं, श्री प्राणनाथ श्री जी साहेब अक्षरातीत की शोभा दी। साहेब तेरी साहेबी भारी, कौन उठावे तुझबिन तेरी, सो सिर दई मेरे। हे साहेब, हे अक्षरातीत, हे धाम के धनी, आपकी जो साहेबी है ये बहुत भारी, आपका मान, आपका प्रभुत्व, आपकी साहेबी बहुत भारी, आपके बिना उसका बोझ कोई नहीं उठा पा सकता, क्योंकि आपका दिल आप ही स्वयं सर्वशक्तिमान, सकल गुण निधान, सर्वगुण संपन्न, पूर्णाति पूर्ण, और हम तो एक आत्मस्वरूप में इंद्रावती का एक जी आत्मा का स्वरूप धारण कर मैं इस मिहराज के जीव के दिल पर मैं बैठकर इस खेल को देख रही हूँ। तो धनी, आपने मेरे को आपका जोश, आपका हुक्म, आपका ज्ञान, आपका जो आदेश देकर ये मेरे सिर पर ये जागनी का जो उत्तरदायित्व सौंपा, तुमने मेरे सिर पर सब ब्रह्मात्माओं को जगाने की ये सेवा दी, तो धनी आपकी साहेबी अपरंपार है। ये दो प्रसंग कल के हमने प्रमुख ये घटनाक्रमों को देखा, और आज सुंदर सा जी हम आगे बढ़े तो यहाँ बताया कि महामती कहे मोमिनो ये हादी मेहंदी इमाम, तात की भी तक और कहो जो नूर्द निस्लाम। अंतिम चौपाई में भी राज्जी ने यही बताया कि हादी हिदायत करने वाले, ये मार्गदर्शन करने वाले स्वयं हमारे प्राणनाथ इमाम मेहंदी साहिबुज्जमा श्री अक्षरातीत धाम के धनी है। मोहे अपनो सब दियो, इसमें न काहू शक, मोहे अपनो सब दियो उसमें न काहू शक। हे धाम धनी, आपने आपके दिल के सब नियामत, सब निधिया मेरे दिल में स्थापित कर दी, मेरे दिल को दे दी, आप ही स्वयं आके मेरे धाम दिल में बैठ गए, तो आप ही तो मार्गदर्शन करेंगे, आप ही तो परम धाम में जग रहे हो। हम तो सब इस संसार में अज्ञानता में नींद में सोए हैं, तो आप ही धनी, चाहे हादी कहो, मेहंदी कहो या इमाम कहो। और आगे जो घटनाक्रम के विषय को वर्णन करने जा रहे, अब फिर कहो अब से की जाको प्रबोधपुरी नाम। यहाँ धामधनी अक्षराती लालदास जी महाराज के धाम दिल में बैठकर विराजमान होकर आगे के घटनाक्रम को वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे सुंदर साज जी, कल मैंने हबसे के घटनाक्रम को पूर्ण नहीं किया है, और भी थोड़ा कुछ प्रसंग अभी इस प्रकरण में भी बाकी है। ये मैं आगे, महामती अपने स्वरों में कह रही है कि मैं आगे बताने जा रही हूँ। क्या? कि जब श्री मिहराज हबसे में नजर बंद, कारागृह में जब नजर बंद थे, उसी टाइम कितने महीने वहां रुके? 12 महीने। खटरुति में तो एक अधिक मास अधको ते आवियो जेठ, 13 महीने का वर्णन किया है, अषाढ़ से अषाढ़ और अधिक जेठ। यहां बताया कि 12 महीना व्यतीत हो गया,
और इतना ही नहीं, विक्रम संवत 1714 में गए थे तो एक साल व्यतीत हुआ, 1715 का समय भी वह हवसा में पूर्ण हो गया। एक साल तक सुंदरसा जी स्थिति को याद करो, इस समय को याद करो, तब मिहराज की जीव की क्या स्थिति बनी होगी। कल तो हमने यह विरह अवस्था को सिर्फ शब्दों के माध्यम से सुना, आप इस स्थिति को स्वयं अंदर आत्मा की चक्षु से अपने आत्मदृष्टि से विचार करके देखिए कि 12-12 महीने तक कोई सगे संबंधी रिश्तेदार या कोई सुंदर साथ भी नहीं, क्योंकि सुंदर साथ में भी हलचल मच गई थी कि देखो मिहराज तो नजर बंद कारागृह में है, तो कोई मिलने के लिए भी नहीं गए हैं, कोई जा ही नहीं पा रहे थे। क्या स्थिति बनी होगी। यहां तो सुंदर साजी को एक महीने के लिए या 15 दिन के लिए या 5 दिन के लिए कोई यात्रा पर जाते या कोई कारण कोई किसी काम में जाते, तो भी अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो हमारे एक एक क्षण में हम एक एक घंटे हम फोन भी कर लेते। सुंदर साजी उसी टाइम तो कोई सुविधा भी नहीं थी कि चलो कारागृह में नजर बंद थे तो हम फोन करके भी अंदर पूछ ले कि भाई कैसी स्थिति है, क्या हालचाल है, क्या खाना पीना, या मतलब आपकी स्थिति वहाँ तो खाना पीना तो कहाँ था। 6 मास विरह की स्थिति में ये मिहराज के अंदर बैठी हुई जीव डूबे रहे। इस स्थिति को याद करो सुंदर साजी, कितने कष्ट सहे। ये वाणी कोई सरलता से नहीं उतरी है, ये वाणी जो हमको मिली है, इसलिए तो बताया कि न केवाय वाणी माया माहे। क्या बताया, न केवाय ये वाणी माया माहे, पण साथ माटे के वाणी साथ आवसे रुदी आणी, ते में कहियो नेचे जानी। ये देते मेरा जीव सकू छे, ये वाणी मेरे हृदय में बसे, मतलब ये संसार के लोगों को ये वाणी या ब्रह्मात्मा मेरे को देने के लिए अंदर से एक संकोच हो रहा है, क्योंकि ये परमधाम की आत्मा नहीं होगी, संसार के जीव उसकी मूल्य क्या समझेंगे। आज तो संसार में सुंदरसा जी ये वाणी पूरी खुली हो गई, जाहिर हो रही है। देखो ये वाणी हमको तो एक सरलता से मिल गई है, इसलिए उसकी कीमत उसकी मूल्य हम समझ नहीं पा रहे हैं, कितने कष्ट सहे। हम तो पढ़ने के लिए बैठते ना सुंदरसा जी इस वाणी को, तो भी हमारे पास क्या आधा घंटा या 1.25 घंटे के लिए बैठते हैं, तो भी इतना ध्यान से उसमें भी हमारी कितनी बार अंदर से मन कहाँ कहाँ चला जाता है। क्या जो दर्द राज जी ने वाणी में बहाया है, अब महामती ने अपने धाम दिल से जो प्रवाहित किया है, क्या उस दर्द को उसी स्थिति पर हम समझे। क्या कसनी की होगी। देखो प्रकाश ग्रंथ में उसका वर्णन है कि 8 मास सुख गए। कल मैं वर्णन नहीं कर पाई, लेकिन जिस प्रसंग पर जितना मतलब भार देना है, जितना अंदर गहराई में जाना है, कि ये वाणी उतरते टाइम 6 मास में अपना 8 मास गाड़ दिया, हड्डी मतलब अंदर मास सुख गया, हड्डी सिर्फ रही, सिर श्रीफल की तरह हो गया, रक्त सुख गया। इतना नहीं, जीव भी अंदर से निकल गया था, जब आह सुखी अंग थे तब श्वास भी छोड़ियो संग, अंदर से जीव भी निकल गया था। बता ना आगे, मैं तो अपना दे रही लेकिन तुम ही राखिया जीव, धनी आपने मेरे को इतनी बड़ी शोभा देनी थी इसलिए आपने मेरे को इस संसार में रखा। हम तो हमारी आत्म ये तो संसार के लिए आत्मा को जगाने के लिए तो वाणी आई, लेकिन संसार को अखंड मुक्ति देने के लिए आई। क्या हम हमारी आत्मा को जगाने के लिए भी
क्या इतना प्रयास किया, कोई एकाग्रता से, कोई ध्यान से हमारा मन कोई प्रसंग पर केंद्रित हुआ? नहीं। हम 10 मिनट के लिए वाणी पढ़ते तो भी हमारी इंद्रिया, मतलब मन की जो तरंगे कहाँ कहाँ उठकर कहाँ कहाँ पहुँच जाती है। हम बैठे हैं तो घर में कोई सगे संबंधी रिश्तेदार, कोई सुंदर साथ के अंदर विचार चली जाती है, सुंदर साथ जी तो ध्यान में तो हम कैसे एकाग्र होगे? क्या ये तो हमें वाणी का एक उपहास उड़ा रहे है? क्या हमने ये दर्द को जाना? तारतम लय श्री राज पधायरा थयु ते सर्व ने जान, सखियो कहे अमे आवी ने मलसु मलिया ते मूल एंधाण। तारतम लेके कौन आए? श्री राज। और सबको पता लगेगा तो यहां जो वाणी का प्रसंग धामधनी वर्णन करने जा रहे हैं, तो 12 मास व्यतीत हो गए, 15 की साल वहां पूर्ण हुई, तब जाके एक साल क्यों चला गया बीच में? जो वहां के मंत्री थे जामनगर के, वो अहमदाबाद कुतुब खान को सुलह करने के लिए, क्योंकि हर साल टैक्स चुकाना पड़ता था, तो टैक्स चुकाने के लिए वहां गए। तो वहां हम हमारा प्रदेश गुजरात इतना समृद्धि से भरपूर नहीं था कि हर साल जो उसका टैक्स लगता था उसी हिसाब से हम दे पाए, तो पूरा टैक्स एकत्रित नहीं हो पाता था, तो वहाँ बहुत समय बीत भी जाते थे। तो गुजरात अहमदाबाद, गुजरात मतलब अहमदाबाद, अहमदाबाद में एक साल सुलह करते करते, संधि करते करते चला गया। और वहाँ से जब जैसे ही वो मंत्री राज दरबार में वापस लौटे तो उसकी पत्नियां उस पर सीधी बरस पड़ी, सीधी बोली के अरे तुम जल्दी से ए मिहिराज को नजरबंद से बाहर निकालो, क्या आपने उसकी पहचान की थी? क्या आपने उसकी जांच की? तब आपने कुछ सोचे बिना विचारे बिना आपने सीधी उसकी माल सामान जब्त कर ली और नजरबंद भी कर लिया, आपने कितना बड़ा उस पर हत्याचार किया है। क्योंकि जब तारतम वाणी का अवतरण हो रहा था उसी टाइम रानियों ने ये अवश्य के मुख्य दरवाजे से छिद्र के अंदर से देख लिया था कि कैसा अंदर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है पूरा अवश्य के अंदर। और इतना ही नहीं, रास की जो लीला खेली जा रही थी और रास की जो रामते उतर रही थी, तो ऐसा दिव्य प्रकाश उसने देख लिया तो आके बोले कि ये तो कोई अवलौकिक महापुरुष है, आपने उसकी पहचान भी नहीं की है, जाओ उसको जल्दी से मुक्त करो नजरबंद से। इतना ही नहीं, उसको सांत्वना देते हुए उसको सिरोपाव मतलब चरण से लेकर सिर तक का जो वस्त्र आता है एक राजा लोगों को पहनाया जाता है, तो ऐसे सिरोपाव पहना के उसको सांत्वना देते हुए उसको विदा करो और आपकी आप उसके पास क्षमा मांगो, माफी मांगो कि मेरी गलती हो गई है। ऐसा रानियों ने मंत्री को बोला, मंत्री साहब ने मिहराज को बुला के पूरी सांत्वना देते हुए शिरोपांव पहना के विदा किया। जैसे ही विदा किया तो शिर पर मतलब सम्मान पूर्वक वाणी लेकर, क्या क्या वाणी उतरी थी? रास, प्रकाश, शत्रुति और कलश की दो चौपाई, ये लेके जैसे ही कारागृह से बाहर निकले तो अंदर इतनी आनंद की लहरें उठने लगी, इतनी आनंद की लहरें उठने लगी कि उसकी कोई सीमा ही नहीं रही। क्योंकि उसके अंदर उसके ऊपर जो राज्य की मेहर बरसी अपरंपार, ये मेहर ठाढ़ी रहे तो मेहरे मापी जाए, मेहरे पल में
बढ़े कोट गुनी सो क्यों मेहरे मेहर मपाए। राजचीनी मेहर तो अविरत महामती के धाम दिल में बरस रही थी, तभी तो वाणी का अवतरण हो रहा था। यहाँ बताया कि ये ऊपर जी अपार मेहर हुई तो उस दिल के अंदर मिराज के धाम दिल में ये संसार की कोई चाहना ही नहीं रही, उसी से और कोई विचार ही नहीं रहा, बस खुशी से मारे उसी दे ही जल्दी कहाँ पहुंचे, बिहारी जी महाराज के पास। जैसे ही बिहारी जी महाराज के पास पहुंचे और आके सीधे ही उसके चरणों में दंडवत प्रणाम की, और जो तीनों ग्रंथ का अवतरण हुआ था ये बिहार जी महाराज गादीपति महाराज के चरणों में रख दिया। देखो उसकी महानता, बता था ने सुंदर साज जी कि चुगली भी उसने करवाई है तो भी आके किसको प्रणाम किया, महाराज जी को किया ने। उसकी महानता देखो, आगे उसकी लीला दिल्ली तक चलती ही रहेगी। जैसे एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी हम रामायण के माध्यम से प्रसंग सुनते हैं कि शाम को राम को गादी अभिषेक की बात हुई और सुबह को 14 साल वनवास, और सुबह जब वनवास के लिए निकले तो प्रथम प्रणाम किसको की, कौशल्या या कैकेयी को, कैकेयी को की ने। देखो हम सब में इसलिए ये प्रसंग को आपको सुनाया कि हम कई महापुरुषों के, कई अवतारों के, कई संत मनीषी के ऐसे से हम कई उदाहरण एक प्रेरणा के रूप में हम सुनते हैं, लेकिन मैं इसलिए बताया कि सुंदर साज जी हमारे दिल में बदलाव लाने के लिए, हमारे अंदर परिवर्तन लाने के लिए, क्या इस प्रसंग को हम हमारे पर कभी घटित किया कि हमारे जीवन में भी ऐसी कोई घटना घटित हो तो हम कितना कसाला सहन करके उस पर हम प्रेम बरसाए, मीठी नजर से हम देखे कि हमारे परम धाम के नाते ये तो सुंदर साथ है, ये तो ब्रह्म सृष्टि है। यहां आके बिहार जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद ग्रंथ त्रिनो वाणी के जो अवतरण हुए थे चरणों में रखे, और जो हबसा के अंदर जो घटना घटित हुई थी 6 माह तक कैसे वीरक की अवस्था में डूबे रहे, उसके उसकी आत्मा राज्य के चिंतन में डूबी रही। उसके बाद श्यामलिया भाई और उद्धव भाई को लेकर जो जो और जो वाणी उतरती गई थी और कोयले से दीवार पर पहले लिखी और उसके बाद वो ये कागज पर लेके और ग्रंथ के रूप में तैयार की, तो सुंदर साथ जी जो वाणी उतरती थी और जो लिखते जाते थे और जो जो घटनाक्रम अवश्य के अंदर घटे वो सब बातें आके किसको बताई, बिहारी जी महाराज को। बिहारी जी महाराज तो गद्दी पर बैठे हैं ने, तो अपना अंदर एक गद्दी की जो एक प्रतिष्ठा, एक मान, एक अहंकार आगे अभी प्रसंग में हम सुनेंगे, और जो वहां सुंदर साथ बैठे हुए थे जब मिहिराज अंदर आए, श्री जी अब तो मिहिराज नहीं कहे जाएंगे, क्या बताया, प्राण नाथ की शोभा धारण कर ली। जैसे ही अंदर आए श्री जी तो उसी टाइम वहां सुंदर साथ सब एकत्रित वहां सब बैठे हुए थे, तो ये सुंदर साथ ने ये सब दृश्य को देखा। बिहाजी महाराज चर्चा करे तो मैं सुंदर साथ तो एकत्रित होते ही थे, पहले श्री जी भी चर्चा करते थे, मिहराज भी, तो वहां सब बैठे थे। उसने सबने ये दृश्य को देखा और क्या बात याद आई कि देखो जो सतगुरु धनी सिंह देवचंद्र जी चर्चा करते थे, वो जो स्वरूप देवचंद्र जी के अंदर विराजमान था,
वही स्वरूप तो मिहराज के अंदर दिखाई दे रहा है, उसके अंदर से हमको दर्शन हो रहा है। तेज वाणी ने तेज ताल, तेज वाणी ने तेज ताल प्रेम तणी रसाल। जो सतगुरु चर्चा करते थे वही चर्चा मिहराज पहले करते थे, और आज जो जागनी का उत्तरदायित्व जिस सिर पर सौंपा गया था वही तो आज दिखाई दे रहा। देखो मिहराज के तन से ये वाणी का तो अवतरण हुआ, ये बिहारी जी महाराज गद्दी पर बैठे तो बिहारी जी महाराज के तन से उतरना चाहिए ने, जो गद्दी में ही राज्य है। तो क्या देखा सुंदर साथ ने जो वहां बैठे थे? मैंने कल बताया था ने कि जैसे सतगुरु महाराज की अंतर ध्यान लीला हुई तो सबकी आस्था सबकी निष्ठा किस पर बनी रही थी? नाम गादी और तन पर। तो यहां ये पुरवार किया कि जो गद्दी पर ही राज्य हो, एक रुई की गद्दी पर ही इस गद्दी पर जो जो व्यक्ति को बैठाया जाए, जिसको महाराज बनाया जाए इस गद्दी की परंपरा के अनुसार, तो क्या वो बैठने वाले के अंदर राज्य बैठ ही जाते, युगल स्वरूप बैठ ही जाते क्या? अपना कुछ अंदर ज्ञान नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई साधना नहीं और कोई रहनी आचरण नहीं, तो कैसे उस पर कोई किसी को बैठाया जाए तो उसके अंदर ये शोभा मिल जाती? तो यह सुंदर साथ ने देखा कि गद्दी पर तो बिहारी जी महाराज को बैठाया है और वाणी तो मिहराज के तन से उतरी। तो सुंदर साथ ने सतगुरु महाराज का दर्शन किस दिल में किया? मिहराज के दिल में दर्शन किया। और आगे बिहारी जी महाराज ये सब दृश्य को देख रहे थे कि सुंदर साथ के दिल के भाव कैसे कैसे है। तो बिहारी जी महाराज जब खटरुति खोली, क्या खोली? जब शटरुति को खोला तो बिहारी जी महाराज उसके वचन सुन के अंदर से चौंक गए। क्या कैसे क्यों चौंक गए? कि उसके अंदर लिखा था ये वालो अम विना कोने न कलियो। इतना सुना तो अंदर से चौंक गए कि अरे इंद्रावती ने तो उसमें साफ लिख दिया है कि वालो हम सिवा किसी को नहीं मिले हैं, तो फिर ये गादी का महत्व ही क्या रहा? मैं तो सिर्फ बस एक रुई की गद्दी पर बैठा हूं, इतना ही तो रहा, और मेरे अंदर तो कोई ऐसी निधि कोई शोभा कुछ नहीं, तो उसका औचित्य ही क्या रहा? ये तो आगे और क्या होगा? और क्योंकि खटरुति के वचन में सुंदर साथ जी ने जो भी बोला के वालों हम बिना कोने न कलियो, तो ये तो अपने को राज्जी मानकर इंद्रावती तो बैठी हुई है, मतलब मिहराज तो अपने को राज्जी मानकर बैठ गए हैं। सही तू मेरा धनी ले बैठी और कोई न देखन हार, देख मैं ले उ धनी अपना तो कहियो तुम मुझे सुहागिन नार। सही तू बाई मेरी रतन मोहे मिले छबीले लाल, मैं भई सुहागनी अब मैं भई निहाल। क्या बताया कि इसमें जो वचन लिखे हैं आगे कलश में, तो बताया कि भाई अरे सही तू बाई मेरी रतन। यहां इंद्रावती क्या कह रही है कि हे रतन बाई, बिहारी जी के अंदर किसकी वासना थी? रतन भाई की। कि हे रतन भाई ये छबीले लाल ये अक्षरातीत तो मुझे मिले, मैं निहाल मैं धन्य धन्य हो गई, सौभाग्यशाली तो मैं हूं। देख मैं लेऊ पीऊ अपना, देख मैंने ये पीऊ को अपना मतलब मैंने अपने धाम दिल में विराजमान कर लिया है। जब ये वचन सुने तब तो बिहारी जी महाराज हृदय द्रवित मतलब दुखी हो गए। उसने मनोमन अंदर निश्चित कर लिया। क्या निश्चित कर लिया? कि जो ऐसे ही चलता रहेगा, ध्यान से ऐसे ही चलता रहेगा तो गादी का कोई महत्व या मेरा भी कोई मूल्य रहेगा नहीं। तो मिहराज के मतलब श्री जी के सामने अंदर
कटुता है, अंदर द्वेष है और ऊपर प्रेम का एक बनावटी व्यवहार किया और बोले कि मिराज तू मेरे को क्या मान रहे हैं? तो बोले अरे मैं तो आपको स्वयं गद्दी पर विराजमान धाम के धनी मान रहा हूं, आप तो स्वयं हमारे धाम के धनी हो क्योंकि गद्दी पर विराजमान होने अंदर से प्रेम भाव नहीं था, कटुता के भाव से व्यंग्यात्मक शब्दों में बोला। तो फिर आगे बोले तो महाराज इतना विरह करने की तेरे को क्या जरूरत थी? देख ये विरह की असर सीधी मेरे पर पड़ी, तुझे इतना विरह करने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं एक ही बुरी में तो बैठा था, तू भी नगर में ही था शहर में ही था तो मेरे पास सीधा आ जाना चाहिए ने, इतना विरह तूने क्यों किया? फिर अंदर से भाव ले लिया कि वाणी वहां फैलने देनी नहीं है, जो फैल जाएगी तो मेरा महत्व मेरी प्रतिष्ठा मेरा मान ये गद्दी की जो भी है परंपरा के हिसाब से ये कुछ बचेगा नहीं। तो ये चौपाई साफ बताई कि वाणी ध्यान से ये वाणी वहां ना प्रसरी, शरत थी उस दिन न इंतजार में थे मोमिन, सुन न सके एक शब्द। साफ लिख दिया बीतक साहेब में कि वाणी वहां ना प्रसरी, क्यों नहीं पसरी ये बिहारी जी महाराज की विशेष कृपा हुई सुंदर सात पर, तो ये वाणी वहां नहीं फैली। और उसने आगे और थोड़ा कुछ बाकी था तो क्या बोला कि महाराज मेरे पिताजी मतलब सदगुरु धनी देवचंद्र जी ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखते थे, ऐसी कोई किताबें नहीं लिखते थे, तू ऐसी क्यों किताबें लिख रहा है? हमारी तो राह कैसी है, बस गादी का पूजन करो, आरती उतारो, सेवा पूजा भोग और परिक्रमा, इससे आगे बस यही राह पर चलाओ सब सुंदर साथ को। तुम्हारे पास ये किताब लिखने की कला कहां से आ गई, ये हिकमत कहां से आ गई? तो वाणी फैलने नहीं देनी है। तो बिहारी जी महाराज की विशेष कृपा से सुंदर साथ जी ये वाणी वहां नहीं फैली। और आज दिन तक अभी हम इसी समय वर्तमान का विचार करें तो भी वाणी सही रूप में आज मंदिरों से कोई बात नहीं, भले हजारों लोग देख रहे वीडियो में, आज जो सच्चाई है वही मैं व्यक्त करूंगी, दिल के जो दर्द है दिल की जो पुकार है ये आज मैं जरूर व्यक्त करूंगी कि आज भी समाज में जो प्रचार प्रसार होना चाहिए चर्चा, ये चर्चा भी वाणी के सिद्धांत के अनुसार जो मूल रूप में होनी चाहिए ये कहाँ हो रही है? तो चितवनी की तो सुगंध ही नहीं होती, चर्चा भी सही रूप में नहीं हो रही है। देखो इतने बड़े बड़े मंदिर पूरी कई स्थान है लेकिन वहाँ सिर्फ फिल्मी धुनों पर भजन या नाच गान या शोभा यात्रा या बड़े बड़े भंडारे और कोई कार्यक्रम में इतने पानी की तरह पैसे बहाते जा रहे हैं, पीछे से रिजल्ट देखो तो शून्य, क्योंकि मूल में ही वाणी का प्रचार नहीं, बस मंदिरों में थोड़ा कुछ विद्वानों के माध्यम से सिखाया जा रहा है तो ये भी भागवत। और धाम धनी बीतक साहेब में अंतिम बताएंगे कि जोलो अग्यारी रही, ध्यान से जोलो ग्यारी रही तो लो बहुत चाह धरे, पीछे ठंडे पड़ते गए लाल अंग ठरे। जब तक ग्यारहवीं सदी रही तब तक ये वाणी का अवतरण रहा, चर्चा चितवनी का कार्यक्रम चलता रहा, बारहवीं सदी के आगे का 30 साल तक ईश्वरी सृष्टि, तब ग्यारहवीं सदी के 10 साल में वाणी तो जामनगर से उतरनी शुरू हुई थी पद्मावती में, अंतिम 10 साल में जो आखिर की खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी उतरी। और इतना नहीं आगे सुंदरसा जी चितवनी भी कराई गई,
और 3 साल तक साक्षात परमधाम की लीला, वैसे तो 11 साल तक हुई, लेकिन सिर्फ चितवनी चर्चा, चर्चा की अर्चा, तो ये सब कुछ 10 साल में ब्रह्मात्माओं की जागनी और वाणी का अवतरण होता रहा। आखिर की अंतिम जो 12वीं सदी का अगला 30 साल तक ईश्वरी सृष्टि की जागनी, और जो 17 साल कहे वो पुल सरात के गए कहे गए, उसके बाद ये वाणी का प्रचार प्रसार का थोड़ा कुछ थोड़े समय तक चलता रहा, फिर पीछे ठंडे पड़ते गए। तो अब तक कुछ साल पहले, मतलब थोड़े साल पहले, थोड़ा कुछ वाणी का प्रचार प्रसार अभी एक छोटा सा दीपक का, मतलब एक प्रकाश कितना होता है, इतना बस फैलना शुरू हुआ है। चलो राज जी की इतनी तो मेहर हुई, राज जी धामधनी आगे चितवनी की ओर सब सुंदर साथ समाज को डूबे डूबोए, बस मैं ऐसी शुभ कामना करूँ, ऐसी मंगल कामना करूँ। लेकिन धामधनी ने इस चौपाई के माध्यम से बताया कि वाणी वहाँ ना प्रसरी, शरत थी उस दिन जिस टाइम पे ये वाणी का फैलाव होना था, तो उसी से पहले कुछ प्राप्त नहीं होता। तो ये सब कुछ राज्य के हुक्म से हुआ, उसके आदेश से हुआ। तो आगे क्या बताया सुंदर साथ जी के, आगे प्रसंग अभी हमारा बदलेंगे। तो अविश्री जी वहां से जो राजा ने शीरो पांव पहना के विदा किया था, और एक ग्राम बसाने के लिए भी उसने जो शोभा दी थी, तो ये ग्राम गुजरात में सोरठ के पास जो जूनागढ़ ग्राम पड़ता है, ये जूनागढ़ गांव बसाने के उद्देश्य से श्री जी जब जाते हैं जूनागढ़ की ओर, तो रास्ते में धोराजी, ये भी गुजरात में है, तो रास्ते में धोराजी ग्राम पड़ता है। धोराजी ग्राम में श्री जी नदी के किनारे पर ठहरते हैं। जब सुबह को स्नान आदि क्रिया के लिए नदी के किनारे तट पर जाते हैं, तो सामने, मैंने कल बताया था जो प्रसंग को, कि पहला मिहराज के विवाह किसके साथ हुआ था, फुलबाई, जो कुतियाना की ठीक है थी, और ये जो 6 मास में उसने अपने तन को त्याग दिया, ये भी बिहारी जी महाराज की विशेष कृपा से है ठीक है। और आज यही फुलबाई के अंदर किसकी आत्मा थी, अमला वती की, यही अमलावती की आत्मा तेज कुरी जी जो धोरा जी में, तो सुंदर सा जी मैंने कल भी बता दिया था, तो आज मैं विशेष इस प्रसंग में नहीं जाऊंगी, तेज कुरी जी के अंदर प्रविष्ट हो गई थी। तो श्री जी जब सामने किनारे नदी पर ठहरे, जब नदी के किनारे की ओर जाते, तो सामने ये तेजबाई ने देख के घूंघट खींच लिया, घूंघट तान लिया। तब उसके पिताजी वीरजी भांजी, उसने पूछा कि बेटी तूने घूंघट क्यों खींचे, मतलब तान लिया, तो बोले कि पिताजी ये मेरे पूर्व जन्म के पति है, जाओ उससे सब मालूम करो, सब पूछ लो कि पूर्व जन्म में उसका नाम जो मिहराज है, उसके इतने 4 और भाई, सब मिलकर 5 भाई, पिता केशवराय, माता धनबाई, ये सब। जब तेजबाई ने बताया तब उसके पिता ने जाके वहाँ पूछा, तो ये सब वास्तविकता थी। तब जाके पिताजी ने उसका हाथ मिहराज के हाथ में दे दिया, मतलब प्राणी ग्रहण कर लिया, और उसके बाद वहाँ से श्री जी निकल जाते हैं धोराजी ग्राम ग्राम से, और सीधे ही कहाँ जाते हैं, जूनागढ़ से, जूनागढ़ ग्राम के अंदर जहाँ हरजी व्यास नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं। ग्राम बसाने के उद्देश्य से श्री जी जब जूनागढ़ में पहुंचे और हरजी व्यास वहां एक जो ब्राह्मण रहते थे उसकी सेवा में कांजी भाई रहते थे, कौन रहते थे, कांजी भाई रहते थे, और श्रीजी भी वहाँ 2 साल रहते हैं जूनागढ़ में, कितने साल,
दो साल, और वहां जाके वो चर्चा सत्संग शुरू कर देते हैं। और उसकी चर्चा में कौन रोज नित्य आते हैं? कांजी भाई, जूनागढ़ में उसकी चर्चा में रोज कांजी भाई नित्य आते हैं। और इधर की ओर हम हरजी व्यास का प्रसंग सुने तो हरजी व्यास जब अस्वस्थ हो गए और मरणासन की अवस्था पर पहुंचे, तब उस घर परिवार के लोगों ने क्या किया, उसको अपने चार पाई पलंग से नीचे लेटा दिया। और उसी टाइम पे वहां कांजी भाई हाजिर थे। आप उस दृश्य को देखो, जब लेटा दिया, और पहले से हमारी पौराणिक मान्यता के अनुसार घर परिवार के लोग दान दक्षिणा जो भी पिंड दान श्राद्ध आदि के मतलब नाम पर कई ऐसे पौराणिक मान्यता के अनुसार परंपरा में करते आ रहे हैं, तो ऐसे हरजी व्यास की स्थिति को देखकर सब दान पुण्य कराने लगे। किस भावना से? कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि पौराणिक कथाकारों को यह मालूम ही नहीं है कि स्वर्ग तो एक दिन नैमित्तिक प्रलय में नाश हो जाएगा, क्योंकि नित्य प्रलय तो रोज ही होता है। आज हजारों लोग ने, हजारों जीवों ने जन्म लिया होगा, आज प्राणियों ने, कीट पतंगों ने, और हजारों जीवों ने आज तन छोड़ा होगा। और हम भी एक बार रात्रि को सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर रात को सोते सुबह उठते, तो रात्रि को एक बार हमारी शरीर का भी लय हो जाता है। हमारी शरीर की शुद्धि सोने के टाइम पे रहती नहीं है। वैसे एक नित्य प्रलय और सावर जंगम जो भी आप चीज देखेंगे उसमें भी एक परिवर्तन हो ही रहा है, बदलाव आ ही रहा है, सब चीज कंपमान है। तो ये सृष्टि पूरी मतलब नित्य प्रलय कैसे हो रहा है कि उसके परिवर्तन से पदार्थ के रूप में परिवर्तित होता है, फिर उससे कोई चीजें बनती है, फिर ये लय हो जाती है, तो उसको कहते हैं नित्य प्रलय। और नैमित्तिक प्रलय में क्या बताया, स्वर्ग तक का नाश हो जाता है। या जूनागढ़ में हरजी व्यास के घर परिवार लोगों ने स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा से उसने दान पुण्य करवाना शुरू कर दिया, तो उसी टाइम वहां कौन बैठे थे? कांजी भाई। मैं बार बार क्यों इसकी याद दिला रही हूं, वह जब कांजी भाई बैठे थे और तब हरजी व्यास ने बोला कि मेरे नाम पर आप दान पुण्य क्यों करवा रहे हो, मैं इस इंड का, मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूं, तुम तो दान पुण्य करवा के मेरे को 84 लाख योनि में भटकाने का ये तो प्रयास आप कर रहे हो, मेरे को 84 लाख योनि में ये दान पुण्य करके स्वर्ग का सुख प्राप्त करके भटकना नहीं है। श्री प्राणनाथ जी कहते ना वृथा का निगमोरे, उसके अंदर एक चौपाई है 84 लाख, ये तो पौराणिक है लेकिन उसमें चौपाई प्राणनाथ जी ने भी बताई है। अनेक बार तरफड़ी मरी दुख देखी आव्या आवार, अनेक बार तरफड़ी मरी दुख देखी आव्या आवार, लाख चोरा सी भामी ने आईवा मध देश विपार, वृथा का निगमो रे पामी पदार्थ चार, वृथा का निगमो रे पामी पदार्थ चार। इस चौपाई के माध्यम से क्या बताया, हमारा जीव, क्या बताया ध्यान से, हमारा जीव अनेक बार अनेक योनियों में कई बार जन्म ले चुका, कई बार तड़प कर या कई बार दुखी होके ये तन छोड़ा है। इतना नहीं, वैसे एक योनि के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी,
तो ऐसी 84 लाख योनि में कई बार ये सुख दुख को भोग रहा है, तो उसको कैसे मुक्ति मिले? ये पौराणिक कथाकारों को या पौराणिक मान्यता वाले को ये पता नहीं था। और मैंने ये भी ग्राम लोगों के अंदर के एक परंपरा का मैंने देखा है कि वहाँ लोग पानी ढोर, मतलब वहाँ की गुजराती भाषा में वहाँ पानी ढोर ऐसी एक विधि करते, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके पीछे एक विधि होती है कि उसका कहना यही है, मानना यही है कि व्यक्ति ने जो तन छोड़ा तो उसका जीव जब स्वर्ग में जाएगा, वहाँ एक कोई जो वैतरणी करके नदी बह रही है और वैतरणी नदी को हमारे जीव को पास भी पार भी करना है, तो कैसे करेंगे? तो ये लोग जब 7वें दिन या 9वें दिन या 12वें दिन कोई विधि करते हैं तो उसी टाइम क्या करते हैं, एक गाय को, या गाय नहीं मिलती तो गाय के बछड़े को लाते हैं घर में, और वहाँ जो जो लोग वहाँ आए हैं मृतक के सगे संबंधी रिश्तेदार, ये सब गाय के पुछड़े या बछड़े के पुछड़े को ये कुछ घास का तिनका लेके पानी लेके उसी पूछ पर डालते हैं। और उसकी मान्यता क्या है कि डालने से हमारा जीव स्वर्ग में जो पहुंच गया है ने, तो उसको ये नदी पार करनी है। तो ये देखो गाय को हमने यहाँ पानी डाला तो ये गाय हमारे जीव को पूंछ का आधार देकर ये नदी को पार करवाएगी। यही मान्यता में ये सब जो पुराणों की गरुड़िया हो या जो भी पुराण, जो भी पुराणों की ये मान्यता है काल्पनिक, तो सुंदर शाह जी इसी हिसाब से लोग श्राद्ध, लेकिन वेदों का क्या कथन है ये पौराणिक लोगों को पता नहीं है कि वेदों ने श्राद्ध और जो उसके पीछे पिंडदान या श्राद्ध या तर्पण उसको क्या कहते हैं। ये पौराणिकों का तो अपनी रोजी रोटी के लिए एक व्यवसाय का साधन बना दिया है। श्राद्ध मतलब अपने जो जीते जी माता पिता की, जीते जी अभी जो जीवित है उस माता पिता की पूरी जो भी इच्छा है, ठीक है, उसके ऊपर श्रद्धा रख के पूरी सब इच्छाओं को उसको पूर्ण करो तो उसको कहते हैं श्राद्ध। उसकी इच्छाओं को तृप्त करो, श्रद्धा पूर्वक उसको रखो, उसको पालन पोषण उसका करो, उसकी इच्छाओं को तृप्त करो, उसको कहते हैं तर्पण। तो जीवित माता पिता की वो तो करते नहीं, मतलब जीवित है तब तक तो उसको मतलब साथ में रखना, उसकी सेवा करना, उसको खिलाना, पानी देना, कैसे उसकी सेवा करनी चाहिए, ये जीते जी नहीं करते। और पीछे से इतने बड़े बड़े हमारे हिंदू समाज में जो ये परंपरा है उसी हिसाब से वो बड़े बड़े भंडारा करते लेकिन जीवित माता पिता की सेवा नहीं करते। तो ये हमारे जो हिंदू समाज की ये जो अंध परंपराएं चलती है यही के हिसाब से यहाँ किसने बताया ये अर्जी व्यास ने कि तुम दान पुण्य करवा के ये स्वर्ग का साधन क्यों करते। मैं इस इंद का नहीं हूं, और भी आगे बताया कि मैं दो ही दाज साथ में लेकर जा रहा हूं। क्या दाज? जिसको मैंने हा कह दिया तो उसको सामने किसी को उसकी ना कहने की किसी के अंदर ताकत नहीं है, और जिसको मैंने ना कह दिया वो हा कहने की किसी के अंदर ये बल नहीं है। ये दो ही प्रश्न की दाज लेकर मैं जा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा शास्त्रा तो ज्ञानी थे ना, थोड़ा विद्वान थे, तो उसने बोला कि जो जो मेरे सामने अब तक आए इस सबको मैंने शास्त्रार्थ में हराया है, अब तक कोई मेरे सामने विजय प्राप्त करके नहीं गया है। तो उसके अंदर क्या था? अपने ज्ञान का अहंकार था। तो ये अहंकार ये दो जो दाज है ये मिटाने के लिए कांजी भाई वहां बैठे थे, उसने वचन सुने और क्या विचार किया कि चलो ये मैं श्री जी को ये बात बताऊंगा और बताऊं कि भाई ये कोई
ऐसा वचन ऊंचा बोल रही है कि मैं इस हिंद का नहीं हूं, तो कोई ब्रह्म सृष्टि तो नहीं है? नहीं है, ब्रह्म सृष्टि होती तो इतने ऊंचे वचन बोलती। और ये बोले कि जिसकी मैंने हाँ की है इसकी अभी कभी किसी ने ना नहीं की है। तो ये बात सीधी किसको बताई? कांजी भाई ने श्री जी को बताई। और श्री जी को बताने के बाद श्री जी ने बोला कि हाँ मैं आपकी अवश्य, कांजी भाई ने पूछा कि उसकी दाज तो आपको मिटानी ही है। श्री जी ने बोला कि हाँ अवश्य चौकस मैं उसकी जो दो बातों का अहंकार है ये मैं समाप्त अवश्य करूँगा, लेकिन आप मेरी साक्षी में रहना। क्या बोला श्री जी ने कि जब अंतिम ये वचन ये बोले तब आप मेरी साक्षी में रहना। तब श्री जी ने बोला कि तुम उसकी दिल से सेवा करने लगो। तो कांजी भाई खेतों से ताजी ताजी सब्जियां ये फल साग तरकारी लेके ये कांजी भाई को खिलाने लगे, सुंदर दिल से सेवा करने लगे। तो सेवा करते करते उसका स्वास्थ्य तो सुधार पर आने लगा, सुधरता गया। जो अस्वस्थ हालत में थे वो अंदर बहुत इसकी तबीयत सुधर गई। तो एक दिन अर्जी व्यास ने कांजी भाई को बोला कि कांजी भाई आपने मेरी बहुत दिल से सेवा की है, आप मेरे पास कुछ मांगिए, आप मेरे पास कुछ मांगिए। तब बोला कि अभी नहीं, मैं उस उचित समय पर आपके पास मांग लूंगा, अभी नहीं। तो बोले कि मेरे को कोई 1,000 रुपया दे देने तो मैं इतना खुश नहीं हूं जितना खुश आपकी सेवा से हूं। तो फिर कांजी भाई तो रोज प्रतिदिन उसकी सेवा में लगे हैं और इतनी ध्यान से इतनी दिल से लगे हैं कि एकदम उसका स्वास्थ्य पूरा सुधर गया। और फिर दोबारा पूछा कि मैं आपकी सेवा से बहुत आनंदित हुआ हूँ, बहुत खुश हूँ, तो आज आप मेरे को बता दीजिए कि आपको मैं इसके बदले क्या दूँ, मैं आपके उपकार का क्या ऋण अदा करूँ। तब जाके कांजी भाई ने बोला कि ऐसे करो व्यास जी, मेरी एक इच्छा है, अपने गांव में एक कोई महात्मा आया है जो मेरा परिचित है, आप उसके साथ बैठ के उसकी जिज्ञासाओं का, उसकी अंदर जो संशय है उसका आप समाधान करिए। तब बोले अरे कांजी तुमने मांगा तो यही मांगा, बहुत अच्छा, चलो आपने जो मेरी सेवा की उसके बदले यहाँ की कोई धन संपत्ति या कुछ नहीं मांगा, और हमारा विद्वान लोगों का तो काम ही यही है, और जो मेरे को पसंद था, जो चीज़ मेरे को प्रिय थी, ये चर्चा सत्संग करना, यही तुमने मांगा, तो चलो ठीक है, चलो बुलाओ वो साध, वो महात्मा कहाँ है। तब जाके कांजी भाई श्री जी को बुला के लाए। कहाँ? हरजी व्यास के सामने। और हरजी व्यास के सामने जब लाए तो हरजी व्यास उसको देख के खूब आनंदित हुए, और उसके बाद अपने पास ठहरने की व्यवस्था भी कर दी और बोले कि आप कहाँ से आए हो? तो श्री जी ने क्या जवाब दिया? मैंने एक दिन बच्चों बोला था, पता है, कि आपको कोई पूछे कि आप कहाँ से आए हो तो क्या जवाब देना? ब्रह्म धाम से। श्री जी ने भी यहाँ यही बोला कि हम तो परदेश से आए। कहाँ से आए? क्यों परदेश से आए ऐसा बोला? मान लो हम इंडिया में रहते, ठीक है, भारत में, या कोई विदेशी लोग आए उसको हम पूछे तो बोलेंगे ना हम परदेश से आए हैं। ध्यान से वो बोलेंगे ना हम परदेश से आए हैं, ठीक है। तो हम कहाँ से आए हैं? मूल परम धाम से। तो यहां कोई पूछेगा तो हम परदेश से आए नहीं, इस इंडिया या 14 लोग या नारायण तक हमारा थोड़ी घर है, हम कहां से आए? नॉन रेसिडेंट इंडिया, ठीक है। हमारा घर कहां है? हद पार, बेहद पार और अक्षर पार, जागिए
घर, तो हमारा घर तो दिव्य परम धाम है। श्री जी ने यहां बोला कि हम परदेश से आए हैं। फिर आगे श्री जी ने बोला कि आपका अगाध ज्ञान, आपकी जो पांडित्यता का मैंने समाज में सुना कि भाई आपके पास बहुत ज्ञान है, आपकी विद्वत्ता को इतना गुणगान है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं वहां जाऊं और मेरी अंदर के जो जिज्ञासा है उसका समाधान करूं। तो बोले कि आप किसकी चर्चा सुनना चाहते हो? देखो सामने कौन है, अक्षरा। कौन है सामने बेटा? अक्षरा तीत और ये हरजी व्यास, एक पौराणिक कथाकार। देखो इस प्रसंग से आपको यही सीख लेनी है, यही बोध लेना है, यही प्रेरणा लेनी है कि अक्षरातीत ने भी पहले हरजी व्यास की कितने टाइम सुनेंगे? 2 महीने तक। कितने महीने तक? 2 महीने तक। हम पड़ोसी को या कोई और प्रवाही लोगों को 2 बात सुनाने के लिए जाए, हम कितनी देर सुनेंगे? उसकी कितनी देर सुनेंगे? पहले हमारा उसको देना है तो कितनी देर सुनना चाहिए? आपको 2 महीने नहीं सुनना है, मतलब आपको पहले धैर्य रखना है, पहले उसकी बात को शांति से सुननी है। जब मौका मिले ना तब चौका मारना है, ठीक है? जब समय आए तब प्रहार करना है। यहां श्री जी ने 2 मास तक उसकी चर्चा सुनी। अभी आगे, अभी यही प्रसंग में हम जा रहे हैं, तो यहां श्री जी को पूछा तो बोले अरे आपके पास तो बहुत अगाध ज्ञान है, आप सुनाइए। तो बोले कि भागवत के वचनों से, तो यहां भागवत के 10वें स्कंद में 89वें अध्याय में जो प्रसंग है 22 से 60 श्लोकों तक का, यही में जो क्या बताया है इस प्रसंग पर सुंदर साथ जी श्री जी आगे सुनाएंगे। लेकिन पहले हरजी व्यास जब चर्चा करने लगे, यहां 2 साल ऐसे लीला होते होते पूर्ण हुए, तो 18 की साल पूर्ण हो गई, 1718 की साल पूर्ण हो गई। और 1719 में इंद्रावती के धाम दिल में अंतः प्रेरणा हुई, इल्हाम हुआ कि जाओ जामनगर पर संकट आया है, कोई कष्ट आया है, तुम जल्दी से जाओ महाराज। तो महाराज जल्दी से जूनागढ़ से कहां पहुंचे? नवानगर नौतनपुरी, और वहां पहुंच के बिहारी जी महाराज को सीधे मिले, और जो सुंदर साथ पर आया हुआ कष्ट का निवारण के लिए पूरा सुंदर साथ का दुख किस सिर पर ले लिया? देखो महाराज का एक एक, अभी तो श्री जी की सुबह प्राप्त हो गई, एक एक प्रसंग को देखो, अपने सिर पर ले लिया और बिहारी जी महाराज के पास स्वीकृति मांगी कि हे बिहारी जी महाराज, मैं यहां फिर सचिव पद दीवान पद की नौकरी संभालू। तो बिहारी जी महाराज ने स्वीकृति दी, वहां से नौकरी संभाली वहां, और जो गुजरात अहमदाबाद के कुतुब खान बार बार जामनगर और हमारे राज्य पर जो आक्रमण करता था, मैंने अभी बताया कि हमारा कर सही टाइम पर हम चुकते नहीं कर पाते थे, बार बार आक्रमण करते थे। तो सुंदर साह जी यहाँ से सीधे श्री जी कहाँ गए? गुजरात, मतलब अहमदाबाद गए, और अहमदाबाद जाके जो टाइम दिया था उसी टाइम में जो कर एकत्रित करना था वो भी पूरा एकत्रित नहीं कर पाए थे, तो श्री जी को अहमदाबाद के कारागृह में नजर बंद किया। रास ग्रंथ में ये चौपाई बताई है कि बाहें ग्रह लय निशरी में त्रण जुद की धा फरी फरी पछे गत मत मारी हरी
लई वस पोताने करी। क्या इंद्रावती की आत्म, क्या मिराज के जीव सोच रहे हैं कि तीन युद्ध जो मेरे पहले हुए इसमें तो मैं जीत गई, पहले फुलबाई का त्याग, चलो धामधनी का यही आदेश था, दूसरा जब वहां से आए प्रणाम नहीं स्वीकार किया, अरब से आए तब चलो कोई बात नहीं उसमें भी मेरी जीत हुई, मिलन हुआ, तीसरा जब अब से में गए, तीन बार तो हम सोचते तो क्या सोचते इसी प्रसंग पे, तभी भी हम हारे। सोचे कि नहीं दीदी, यहां इंद्रावती की आत्म क्या विचार करे कि तीन युद्ध में तो मेरी जीत हुई, लेकिन ये चौथे युद्ध में क्या मेरे अंदर बैठे हुए स्वरूप को मैं नहीं पहचान पाई, क्या नहीं पहचान पाई, जब नजर बंद थे और तब कांजी भाई को यहां पता चला कि जो श्री जी पूरे संसार को अखंड मुक्ति देने के लिए आए हैं, उस पर ये इंद्रावती की आत्मा पर तो जागनी का पूरा उत्तरदायित्व है, तो ये कांजी भाई तो हजार और दूसरे कांजी भाई पैदा हो जाएंगे, लेकिन ये श्री जी कोई दूसरा नहीं मिलेंगे। चलो मैं जल्दी से जाऊं, तो तेज कुरी जी के वस्त्र लेकर वो कहां पहुंचे, जल्दी से जल्द अहमदाबाद, और अंदर गए और अंदर ये वस्त्र किसको पहना दिए, श्री जी को, वो अंदर रह गए और श्री जी को बाहर भेज दिए। तब जाके ये मैं बात पूर्ण करती हूं कि अरे चौथे युद्ध में मैं कैसे हारी, ये भी एक परम धाम की ब्रह्मात्मा थी और मेरे अंदर बैठे हुए स्वरूप को मैं पहचान नहीं पाई, तो मैंने उसको अंदर, बाकी तो मेरे राज्य पर छोड़ना था, हम तो आज हुक्म के हक के हाथ, हुक्म मेरे सिर पर पल पल राज्य खड़े है, क्या ये एहसास मेरे को तब नहीं हुआ, धनी तो मेरे से प्राण नली से भी निकट है, तो यहां चौथे युद्ध में हारना कहा गया। और आगे जाके सुंदरसा जी अंतिम चौपाई दोहरा के हम और दीव बंदर का थोड़े प्रसंग में हम आगे बढ़े। तो यहां जब सुंदरसा जी, जब ये प्रसंग को मैंने अंतिम पूर्ण किया और सीधे गुजरात, यहाँ से जो अहमदाबाद में थे, गुजरात मतलब अहमदाबाद में थे, तो त्या वहाँ से सीधा ये माया का काम छोड़ के श्री जी वापस कभी भी, ध्यान से, वापस कभी भी जामनगर नहीं गए। कहाँ पहुँचे, दीव बंदर, और दीव बंदर में आगे क्या लीला होती है आगे के प्रसंग में देखेंगे। और इससे पहले तीन सृष्टि का वर्णन आता है, मैं शॉर्ट बता दूं 15 चौपाई में कि कौन कौन सी तीन सृष्टि और उसके घर, उसका ठिकाना कहां कहां। तीन सृष्टि, एक जीव सृष्टि, एक ईश्वरी सृष्टि, एक ब्रह्म सृष्टि, तीनों का रहने का ठिकाना कहाँ, जीव सृष्टि का घर बैंकुट और ईश्वर सृष्टि का घर अक्षर धाम और ब्रह्म सृष्टि का घर दिव्य परम धाम, और तीनों सृष्टि के और कहाँ कहाँ से आए ये भी अंतिम उस बता दिया। जो परम धाम से ब्रह्म सृष्टि आई है उसकी क्या पहचान होगी, तो बोले कि ये आके पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहो पहचान, जो कति भूली वतन तो भी नजर तहां निदान। ये आके कदाचित इस संसार में, ये संसार के जीवों की तरह उसके साथ रहते रहते हुए घर को, अपने धनी को या स्वयं को भूल गई होगी, तो भी अंदर ये विचार उड़ते होंगे कि ये घर मेरा
नहीं है, ये संसार मेरा नहीं है। तो यहाँ बताया कि ब्रह्म सृष्टि की क्या रहनी है, तो आगे सुंदर साहब जी ये बताया कि ब्रह्म सृष्टि की यही रहनी है कि वो आके थोड़ी कुछ पहचान होगी ने, वो धर्म पर, अपने धनी पर, सुंदर सात पर अपना सब कुछ न्योछावर कर देगी। तन मन धन जीव और आत्मा अपना कुछ नहीं रखेगी, मेरे कहने के लिए कुछ नहीं रखेगी। और ईश्वर सृष्टि की क्या पहचान है, उसको फरिश्ते कहा गया है। तो उसकी क्या पहचान बताई कि जीव सृष्टि के बाद दूसरी आती ईश्वरी सृष्टि, वो भी ज्ञान उपासना बंदगी में लगी रहेगी। और जो अंतिम जीव सृष्टि है वो अपना कर्मकांड कभी भी नहीं छोड़ेगी। ये तीनों सृष्टियों का वर्णन बताया। और महामति कहे मोमिनो, ये बेवरा तीनों का कहिया तुम, कहूँ आगे और मजल की जो दिखाया खिल हुकम। तो यहाँ राजी अंतिम चौपाई में क्या बताया कि हे सुंदर साहब जी, मैंने तीनों सृष्टि का खुलासा स्पष्टीकरण करके तीनों का जो धाम बताया और कहाँ कहाँ से आई ये बताया। तो ये बताने के बाद मैं आगे आपको दीव बंदर का वृतांत वर्णन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ चौपाई बताई, फिर कहो श्री जी की जो बीतक बीच इस्लाम, लड़ाई करी दज्जाल सो कहो मुकाम और ठाम। यहाँ फिर कहो श्री जी की धामधनी अक्षरातीत लालदास जी महाराज के धाम दिल में विराजमान होकर आगे के प्रसंग में बताया कि मैं फिर, अब फिर इसके आगे क्या घटनाक्रम है। तो श्री जी के दिल से जो शाश्वत शांति की रसधारा प्रवाहित हुई, और कब हुई और कहां कहां हुई इतना नहीं, श्री जी ने माया के साथ कहां कहां युद्ध किया, कैसे युद्ध किया, और आखिर राजी ने दिल में क्या लिया कि अब इंद्रावती की कष्ट और दुख सहन करने की एक हद हो गई, एक पराकाष्ठा हो गई, चलो मेरे को तो अब उसको बस सुख देना है, परमधाम के सुख का अनुभव कराना है। क्योंकि उसके बाद अहमदाबाद का भी कष्ट झेलना पड़ा, और माया के साथ सुंदर साची वो शस्त्र अस्त्र वाला युद्ध नहीं, शोर शब्द बानन का सुन के सब होशी जेर, वचन रूपी शस्त्रों से लड़ना है, किससे, वचन रूपी शस्त्रों से। और कहां तक लड़ते रहेंगे, और कुरान में भी पहले से साक्षिया थी कि जब अक्षरातीत की उसकी आत्माओं के साथ इस संसार में लीला होगी तब उसके साथ दज्जाल कितने साल लड़ेगा, 120 साल तक, विक्रम सन 1638 से लेकर विक्रम सन 1758 तक दज्जाल लड़ेगा। तो यहाँ माया के साथ, क्योंकि दीव बंदर सुंदर साची हमारी मूल जागनी का कार्य दीव बंदर से ही प्रारंभ हो रहा है। तो यहाँ आगे कि जैसे अहमदाबाद से श्रीजी सीधा कहाँ पहुँचते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया दीव बंदर। जब दीव बंदर पहुँचते हैं तो वहाँ सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के टाइम उसी समय तारतम ज्ञान ले लिया, तारतम ज्ञान ग्रहण कर लिए हुए सुंदर साथ कौन है, जयराम भाई कंसारा। उसके अंदर कौन सी वासना है, कौन सी आत्मा है, करुणा सखी की। वहां जाके जयराम भाई को मिलते हैं, और जैसे ही मिलते हैं तो जयराम भाई इतना आनंदित, इतना अंदर से खुश होते हैं कि दोनों गले मिल जाते हैं। और मिलने के बाद जयराम भाई कोई भी हमारे घर पे आए तो हम भी पूछते ने कैसे हो, ठीक तो हो ने, सब कुशल मंगल तो है ने। यहाँ जयराम भाई ने भी श्री जी को क्या पूछा,
एक संसार के अंदर जो व्यक्ति की हम वेलकम या आगता स्वागतता जो सम्मान हम देते हैं, तो बोला कि अरे श्री जी आप कुशल मंगल तो हो ने, किस कारण से आपका यहां आना हुआ, क्या प्रयोजन है, क्या पूछा जयराम भाई ने कि आपका किस कारण से आना हुआ। तब श्री जी ने जाके क्या जवाब दिया, सुंदरसा जी ये प्रसंग ध्यान से, ये प्रसंग जब तक पूर्ण न हो तब तक ये सब घटनाक्रम किसके ऊपर लेना है, उसमें पूरा प्रसंग जितने भी चौपाई एक एक चौपाई में हमारी आत्मा को प्रबोधित करने के लिए, झंझोड़ने के लिए, जागृत करने के लिए श्री जी ने क्या वचन उद्बोधित किया है, आप ध्यान से सुनिए। तब श्री जी ने जाके जवाब दिया, ये किसका प्रसंग है बोलिए आप, ये किसका प्रसंग है, हमारा। तब बोले कि मैं किसी के लिए नहीं आया हूं, तुम्हारे लिए आया हूं जयराम भाई, या एक महीने की भी तक लगाई है ना, ये तुम सब सुंदर साथ के लिए लगाई है। बोलिए सी प्राणना, वैसे तो तुम 400 साल से इस परंपरा में सुनते आ रहे हो और बहुत बहुत दूरी से कितना समय, कितने पैसे और कितना आपकी शरीर का जो समय की कुर्बानी, ये सब आप मतलब अपने एक ये मिशन के लिए आप अंदर एक विचार लेके आए और यहाँ आके जो आपने कुछ भी नहीं पाया तो ये तो सब व्यर्थ चला गया। तो यही प्रसंग में आगे बताएंगे, हे जयराम भाई मैं तुम्हारे लिए आया हूं और राज जी ने मेरे को आदेश किया कि जाओ, जो माया में फंसी हुई आत्माएं हैं इस संसार के, कोई नजरबंद में, अभी हमने देखा ने मिहराज नजरबंद दो बार हुए ने, जामनगर और अहमदाबाद, तो वहां से तो छुड़वा दिया, ध्यान से वहां से तो छुड़वा दिया। यहां श्री जी का क्या कहना है कि यहां की कोई कैद जेल होती तो वहां से तो कोई भी अपनी लायकात से, अपनी योग्यता के अनुसार, या कोई पैसे देकर या रिश्वत या कुछ देकर, घुस देकर भी छुड़वा लेंगे, लेकिन ये माया के बंधनों में जो फंसी हुई आत्माएं हैं उसको कौन छुड़वाएंगे। तो हर स्थान अलग अलग प्रांत, अलग अलग देश, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग बोली में जो आत्माएं आई है उसको जगाने के लिए, और निजानंद संप्रदाय की सच्ची राह पर, दीने इस्लाम की सच्ची राह पर ले जाने के लिए मैं आया हूं और आपके लिए आया हूं, मेरा और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। और आगे जाके क्या बोला कि हे जयराम भाई तुमने सतगुरु महाराज देवचंद्र जी के समय तारतम ले लिया था, अभी तक कितनी आत्माओं को आपने जगाया, क्या आपकी आत्मा भी तारतम ज्ञान ग्रहण करने के बाद जगी, किसको पूछ रहे हैं, आप जगे या नहीं और दूसरे को जगाने के लिए निकल पे हो। हम बोलते ना एक सूत्र में, जागो और जगाओ। तो यह पूछा कि भाई तुमने तारतम ले लिया था तो क्या आपकी आत्मा जगी और क्या आपने दूसरी आत्माओं को जगाया, और सतगुरु के टाइम पे आपने तारतम लिया, इतने दिन ये दीव बंदर में रहते रहते, ये सरसावा में रहते रहते, ये पंजाब गुजरात में, हरियाणा यूपी एमपी नेपाल या सिक्किम दार्जिलिंग कलिंगपोंग, ये सब जगह रहते रहते सबका, हम सब जगह आए हैं ना सुंदर साथ जी, रहते रहते इतने दिन बीत गए तो आपने क्या किया। अभी हम सबको तो कह रहे हैं आपने
क्या किया? देखो एक एक चौपाई में झंझोड़ रहे धाम के धनी, और आगे इतना नहीं, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी जब धाम चले तो भी तुम नहीं आए, और परम धाम की करुणा सखी की आत्मा होकर इतना अंधेर, ये मायावी अज्ञानता की नींद में सोना ये आपके लिए शोभा नहीं देता है। हमने भी दावा किसका लिया है? परम हम प्रणामी रे परम धाम के, आए आके आके माया में भूले प्रणामी परम धाम के, तो दावा तो हमने भी लिए। यहां किसको कह रहे धनी? हम सबको। इतना भी नहीं, तुमने एक पत्र भी नहीं लिखा क्या? आपकी आपका इतना भी कर्तव्य नहीं बनता था? आपकी इतनी फर्ज नहीं थी कि कोई बार तो हम जिस मिशन से जुड़े हैं वहां जो सेवाएं चल रही है वहां आके हम देखें कि कैसी स्थिति है, क्या अभी तक में ही सिर्फ आना चाहिए? यहां क्या बता रहे हैं दीदी? सिर्फ अबोहर वहां से वितक के टाइम पे आना चाहिए, बीच में भी आना चाहिए? चलो तभी तो पत्र की बात बोली, आज तो फोन तो कर ले कभी कभी हम ऑफिस में कि भाई हालचाल क्या है, क्या परिस्थिति चल रही है। इतना भी नहीं, और आगे क्या बताया कि बिहारी जी महाराज को चाकले गादी पर बिठाया गया तो भी तुम नौतनपुरी नहीं आए, एक संदेश भी नहीं भेजा पत्र के माध्यम से भी। अरे कितना अंधेर करके आप बैठ गए हो। आप मूल घर को याद करो, अपनी आत्मा को याद करो, पर आत्म को याद करो, अपने धनी को याद करो। मूल स्वरूप है अपना जको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म को ले के विलसी संग खसाम साथ जी जागिए, बताए देऊ रे जीवन श्याम श्यामा जी साथ जी जीत बैठे चोकवता। श्री महामती कहे मोमिनो करु मूल स्वरूप वर्णन, श्री महामती कहे मोमिनो करु मूल स्वरूप वर्णन, मेहर करिए मां सुकने लीजो रूह के अंतस्करण साथ जी जागिए, बताई देऊ रे जीवन श्याम श्यामा जी साथ जी जीत बैठे चोकवतन। क्या बताया सुंदर साथ जी? ये माया में आके अब सब भूल गए, और आगे बहुत खंडनी के वचन, बहुत ऐसे कठोर वचन जयराम भाई को नहीं, हम सब सुंदर साथ को प्रबोधित किए। क्या बताया कि अरे तुम्हारा परम धाम का क्या नाता रहा, तुम्हारी क्या निस्बत रही, तुम तो ऐसा मान रहे हो अपने को कि मैं अनादि काल से यहाँ रहने वाला हूँ, कभी भी मेरे को तो परम धाम वापस जाना ही नहीं, अबोहर में गुजरात में क्या यूपी के आसपास में यहाँ ही रहना है।
हमारा तो परम धाम की लीला के साथ, परम धाम की शोभा के साथ, परम धाम 25 पक्षों के साथ हमारा तो कोई नाता है ही नहीं, नहीं है ना गुरु जी? कोई नहीं है। इतना अंधेर करके बैठ गए, ये ब्रह्मात्मा के लिए ये शोभा नहीं देता है। देखो ऐसे बहुत से वचनों से खंडनी कर कीजिए, जागे नहीं। ये भी हम चौपाई पढ़ते तो हम तो संतुष्टि कर लेते कि भाई खंडनी के वचन से सुंदर साथ नहीं जागेंगे, मूल घर दिखाए पीछे सोए कैसे। पर लब जब तक सुंदर साथ जरूरत थी धामधनी को, तब तक कठोर वचन खंडनी के वचनों से भी धामधनी ने समझाया और आगे जाके कई दृष्टांत भी दिए। दीवे तारियो जब सुन सुहाग, तब पामियो पतंग वेराग, का जंपावी ओलवे आग, का कायानो करे त्याग। देखो एक पतंगा भी मैंने उसी बार जीव जो वो जीव तणीय रीत नव मुख्य अंधेर निप्रीत, मैं एक पतंगा का दृष्टांत देकर समझाया था। यहां बताया कि जो दीपक को देखकर पतंगा अपने तन को अंदर जला देता है, का दीपक नहीं, का ये पतंगा नहीं, का वहां दीपक नहीं है, का पतंगा नहीं है। वैसे तो रास ग्रंथ में पांच प्रकरणों में आगे का जो पांच प्रकरण मैंने कल बताया था वो दीव बंदर में उतरा है, तो यहां इस प्रकरण के माध्यम से बहुत से दृष्टांत देकर समझाए। और आगे बताया कि कबलो कासा कुटेगा, कबलो एहरन थोड़ा, कबलो घर में बैठेगा, देखो सिर पर आई क्यामत रोशन। अरे जयराम भाई कहां तक आप हथौड़ा लेकर ये हरण पर कहां तक ये मारते रहेंगे, कब तक ये कांसा ये संसार के काम आप करते रहेंगे? आपके नेत्र पर देखो चश्मे आ गए हैं, ऐसे करते करते मतलब आपकी उम्र की आयु, आपकी उम्र तो देखो, आपकी आयु की ओर तो नजर करो। आपने सतगुरु के टाइम पे ये तारतम लिया है, हम भी हम आत्म मंथन करें, हम भी अंदर जाके अपने को पूछे कि सिर पर आई क्यामत रोशन, देखो समय आ गया आखिर का, अपने क्या किया, अब हमने क्या किया, कहनी सुननी गई रात में, आया रहनी का दिन। तो सुंदर साची ये रहनी का समय आ गया, अब कहना सुनना ये तो सब बुरा हो गया, ये समय चला गया। और कहां तक इस संसार के ये मायावी जूठे घर में मोह और ये संसार के जूठे रिश्तों में बंध कर आप कहां तक बैठे रहेंगे, आप कहां तक बैठे रहेंगे? किसको बोल रहे धामधनी? हम सबको। और आगे बोला कि ये 14 लोक अष्टावरण युक्त ये ब्रह्मांड तो ये महाप्रलय में नाश होने वाला है, यहां आपका अखंड घर नहीं है। और आपके जीवन की आधी आयु तो बीत चुकी, क्या अपनी ओर कभी देखा? आपको तो लग रहा है कि मैं अनादिकाल तक जिंदा रहूंगा, आप थोड़ी कुछ तो परम धाम की पहचान कीजिए। इतना नहीं और आगे बोला, कोई न उघाया इन माया से चचोड़ ठोर मुर्दार। हे जयराम भाई, इन माया से अभी तक किसी की तृप्ति नहीं हुई है, किसी की इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। जैसे एक सुखी अड़ी को लेकर एक कुत्ते अपने मुंह में चबाता है और चबाते तो चबाते अपनी दांतों से जब खून को पीता है और उसको क्या लगता है कि मैं हड्डी से खून रक्त पी रहा हूं, वैसे ही तुम भी। किसको बोल रहे? सिर्फ जयराम भाई, हम सबको। वैसे तुम भी इस संसार के झूठे मोह रिश्तों में फंसकर ये सब अपना ही सुख मान लिया है और सांसारिक
लोग उत्तरदायित्व निभाते निभाते अपना पूरा जीवन उसमें खत्म कर दिया, अपनी ओर भी नहीं देखा, अपनी आत्म कल्याण का मार्ग भी नहीं देखा। और आगे बोला कि संसार के जीव तो अपनी इंद्रियों के सुख में पड़े रहते हैं और उसके इंद्रियों का सुख वो भोगते रहते हैं, तुम तो वो जल के जीव जल को नहीं छोड़ेंगे, खारे मछली खारे जल की मछली खारे जल को नहीं छोड़ेगी, मीठे जल की मछली मीठे। वैसे ही संसार के जीव तो अपनी माया में मस्त है, अपनी माया के दीवाने हैं, तुम तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो, तुम्हारे लिए ये बराबर नहीं है। और आगे बताए के जयराम भाई तुम अपने घर की पहचान करो, धनी की करो, स्वयं अपनी आत्मा की करो। तब जयराम भाई फुट फुट कर रोए। हमारे दिल में कभी भी इतनी विरह वाली या गहरी प्रेम की कोई चर्चा सुनने के बाद क्या आंखों से आंसू गिरे? यहां जयराम भाई फुट फुट कर रोए और बोले कि धनी अच्छा हुआ तुम यहाँ है, इतने पंथ काट कर हमको समझाने के लिए, और एक दिन के लिए नहीं एक एक महीने के लिए आए, इतना नहीं इतने सालों से आप समझा रहे हो, और कहाँ तक हम जितने समय तक इस संसार में रहेंगे तब तक समझाते रहेंगे, और तू भी ना लग गया कलेजे घाव, धनी ये ते गुण सहे तेरे तू भी ना लग गया कलेजे घाव। ये अक्षर भी हमारा दर्शन चाहते हैं, इस अक्षरातीत हमारे धनी है। यहां आगे ये सब लीला होने के बाद जयराम श्री जी की ऐसी अलौकिक ज्ञान धारा ऐसी रस प्रवाहित हो रहे हैं और सब सुंदर साध आके श्री जी के चरणों में प्रणाम करने लगे, और इतना नहीं सुंदर साध जी चर्चा में सोई आवत है, जाके धनिए पकड़े हाथ, जिसका हाथ पकड़कर धनिया लाए वही चर्चा में बैठ सकते हैं, और जिस पर धनी की नजर बरस रही है, जिस पर धनी की अपार मेहर बरस रही है, वही धनी के प्रेम की चर्चा सुन सकते हैं। बाकी तो घर से निकले ने तब तो कोई माया हमको घेरा डाल ही देती है, तो धनी को धन्यवाद कहो, शुक्रिया मनाओ। उसके बाद श्री जी को पूछा जयराम भाई ने कि चलो भोजन कर ले, पहले स्नान आदि करवाया और बाद में चल की लीला के बाद भोजन करवाया, और भोजन के बाद फिर बोले कि आप थोड़ा आराम करिए। तब श्री जी ने फिर क्या चर्चा प्रारंभ करी कि मैं आराम करने के लिए सोने के लिए नहीं आया हूं, मेरी तो और गरज, मेरी तो कोई और इच्छा है, मैं तो सोने वाले को जगाने के लिए आया हूं, जो हजारों साल से शरीर रूपी कब्र में जो जीव सोया पड़ा था, आत्मा भी उस पर आकर बैठ गई और उसने भी मान लिया कि मेरा स्वरूप ही जीव का है, उसको कोई पता नहीं रहा, नहीं घर का, नहीं धनी का, नहीं स्वयं का, तो उस आत्मा को जगाने के लिए मैं आया हूं। और फिर ब्रज से लेकर शुरू किया कि जयराम भाई जब हम ब्रज में रहते थे धनी के प्रति हमारा कितना गहरा प्रेम था, एक क्षण जब बाछड़ राले वन पधारे तब रोवंता दिन जाए, खीने कलगा थाइए तो बिछुड़ो खीण न खमाए, एक क्षण अलगे नहीं रहते थे, आ 400 साल से कैसे सुख चैन की नींद कर रहे हो? किसको बोला? मोमिन जयराम भाई को। और आगे बताया कि सुंदर साथ जी व्रज में हम घर काम में इतनी प्रवृत्त रहती थी सखियों के रूप में, तो भी वाला जी हमारे से एक क्षण दूर नहीं रहते थे, कितने काम थे, खाते पीते उठते बैठते, बस हर क्षण
वाला जी की याद अंदर, बस हर क्षण उसको मिलना, हर क्षण उसके पास लीला में जाना। और हम घर में कितनी प्रवृत्त रहती थी घर काम में, तो भी सुंदर साहब जी हमारा मन संसार से उदास रहता था। यहाँ याद दिला रहे हैं कि इतने काम थे तो भी हम धनी को नहीं भूले। ये वचन वालों कहते आपको जेह धाम की लीला माहे, ब्रज वालों पीयूषो एह, वचन आपको कहते जेह। देखो यहां क्या याद दिलाई, जो व्रज और रास में श्री कृष्ण जी के रूप में अक्षरातीत का आवेश जोश के साथ जो लीला की, वही तो वालो आए हैं ये जागणी ब्रह्मांड में, वही तो धनी धाम है, वही तो अक्षरातीत है, वही तो प्राणनाथ है। तो अभी आप क्यों इतने माया के अंधकार में आप डूबे पड़े हो? इतना नहीं, और आगे बोला कि व्रज में से रास में जाते समय कैसे एक गौपद वह संसार कर दिया था, गाय के बछड़े की खुर के निशान में जो पानी भरता, उस गड्ढे को पार करने में कितनी देर लगती है, इतनी देर भी नहीं लगी थी। और आज तो इतना लंबा समय बीत गया, क्या धनी की याद नहीं आ रही है? और आगे बोला कि वहां जाके राजी ने कैसे उलाहने के वचन बोला, और तुमने कैसे सामने वचनों का सामना किया, और राजी ने कैसे वृंदावन पूरा दिखाया, और आपको केवल ब्रह्म की आनंद योग माया अखंड ब्रह्मांड में कैसे सुसज्जित वस्त्र आभूषणों से किया, कैसा श्रृंगार कराया। और इतना भी नहीं, हमारी एक एक ब्रह्मात्मा के साथ कैसी प्रेम के विलास की, गले से गले आलिंगन बद्ध होकर कैसी प्रेम की लीलाएं हुई, ये सब भूल गए? और बीच में अंतर ध्यान लीला हुई, फिर मूल स्वरूप देखिया तीत, ये दोनों खेले हुए मगन, तब जोश लियो खेच कर, तब चित चोग भई अक्षर। जब बालाजी ने देखा था, मूल स्वरूप ने देखा, क्या देखा कि अक्षर ब्रह्म और सखिया दोनों अपने को भूल गई। अक्षर को यह पता नहीं, उसको तो यही है कि मैं परम धाम में ये लीला कर रहा हूं, पर सखियों को भी नहीं पता है। तो दोनों को शुद्धि कराने के लिए अक्षर को यही कि तुम्हारी बुद्धि के स्वरूप केवल ब्रह्म में ये लीला हो रही है, ये परम धाम में नहीं हो रही है, ये दोनों को शुद्धि कराने के लिए कैसे राजी ने आवेश खींचा, फिर प्रकट हुए। और सुंदर साची इतनी लीला बताने के बाद फिर आगे के प्रकरण में जहां से लीला अटकी वो आगे सुंदर साची उस प्रकरण में बताएंगे। ये लीला को हम कल लेंगे, तो यहां ये चौपाई दोहरा दे क्योंकि समय हो गया है। महामती कहे ए साथ जी, ए दीप की बीतका अजु और बहुत है, सो कहो ग्रहे माफका, सो कहो ग्रहे माफका। क्या बताए राज जी ने कि आगे ये प्रसंग पूरा नहीं हुआ है, लेकिन प्रकरण बदला है, ये प्रकरण बदला है। तो प्रकरण में जहां अंतर्ध्यान से पूर्व का जो लीला प्रसंग है, मूल कारण और अंतर्ध्यान लीला का आगे का जो प्रसंग है, ये मैंने तुमको पूरा विस्तार से बताया। और अंतर्ध्यान के बाद, अंतर्ध्यान के बाद फिर जब प्रकट होते हैं, ये प्रसंग को मैं कल की बीतक में बताऊंगी। बोलिए श्री प्राणनाथ, श्री सतगुरु महाराज की प्रणाम।